नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और स्पेशल प्रोग्राम टॉप फाइव में। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं हमेशा एक दिन की ताज़ा तरीन टॉप पाँच खबरें, जो आपको जानकर एक दिन की पूरी ताज़ा तरीन खबरों का पता तो चल ही जाता होगा। तो आज भी हम ऐसे ही कुछ खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं पहली खबर जो जुड़ी है भोजपुरी के जुबली स्टार निरहुआ से। निरहुआ इन दिनों अपनी दो दो फिल्मों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, एक तो बॉर्डर फिल्म के लिए और दूसरी जिसकी शूटिंग वो शुरू कर चुके हैं, जिस फिल्म का नाम है शेरे हिंदुस्तान। अभी तक आपने जुबली स्टार के कई सारे रूप फिल्मों में देखे होंगे, आम्रपाली के भी कई सारे रूप आप लोग देख चुके हैं। खेसारी का जब से बुढ़ापा सामने आया है संघर्ष के बाद से, तब से आम्रपाली का बुढ़ापा भी आप लोगों ने देख लिया है लागल रहा बताशा चाचा में। लेकिन अब आप लोग निरहुआ का भी बुढ़ापे का लुक देखेंगे फिल्म शेरे हिंदुस्तान में, जिसका हाल ही में एक झलक देखने को मिली है और ये झलक बहुत प्यारी है। वैसे निरहुआ 38 से 40 साल के हो चुके होंगे, लेकिन उनके चेहरे और उनके जो हाव भाव व्यवहार हैं उससे बिल्कुल भी नहीं झलकता कि वो इतने बड़े उम्र के हैं। और यही कारण है कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी है इंडस्ट्री में सभी कलाकारों के बीच, लेकिन उनका बुढ़ापा आने वाले 20-30 साल बाद की जो स्थिति होगी निरहुआ की, वो फिल्म में देखने को मिल सकती है, जिसके एक झलक निरहुआ ने साझा भी की है। तो हम इस झलक से भी जुड़ी एक खास खबर आपके लिए लेकर आए हैं, जो हम आपको बताएंगे अंत में। लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं अगली खबर पर नज़र, जो अक्षरा सिंह से जुड़ी हुई है। अक्षरा सिंह जिसके साथ रहते हैं उसकी खूबी सीख लेती हैं और जिसके साथ नहीं रहती हैं उससे भी कुछ गुण ज़रूर सीख लेती हैं। बिहार की माटी में पली बढ़ी ये अभिनेत्री हमेशा अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीती आई है, लेकिन एक सिंगर के साथ रहते रहते इन्होंने अपनी आवाज़ में और इन्होंने गाना जो सीखा है उसके हज़ारों लाखों फैन ज़रूर हो गए हैं। अक्षरा सिंह अपनी गायकी से सभी को अभी तक रिझाती आई हैं और एक बार फिर से आप लोगों के बीच बोलबम का गीत लेकर वो आने वाली है, जिसकी शूटिंग जोरों शोरों से कर रही हैं और इसकी एक एक करके तस्वीर भी वो कभी अपने इंस्टा से, कभी अपने फेसबुक से अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हैं। लेकिन यहाँ एक बात और देखने वाली होगी कि अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं कि उनके नाम की कई हज़ारों फेक आइडिया बनी हुई हैं, इसलिए दर्शक भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी रियल आईडी है कौन सी। बहुत कम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं इसलिए शायद दर्शक कंफ्यूज हो पाते हैं, क्योंकि इंस्टा पर भी अगर आप देखेंगे तो हज़ारों आइडिया हैं उनके नाम की, अगर फेसबुक पर देखेंगे तो भी हज़ारों आइडिया आपको मिल जाएंगे अक्षरा सिंह की, तो जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रिय हैं। तो इनसे जुड़ी भी एक खास खबर, इनके बोलबम गीत से जुड़ी एक खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर, और ये निरहुआ से ही जुड़ी हुई है। निरहुआ का नाम बहुत फेमस है, आधे से ज़्यादा लोग इन्हें निरहुआ रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं। वो निरहुआ रिक्शा वाला जिसके रिक्शे की सवारी आम्रपाली से लेके सलमान खान भी कर चुके हैं, लेकिन अब कई लोग कई पत्रिका में कई समाचार चैनल्स में निरहुआ रिक्शा वाला नाम हटा के निरहुआ गाली वाला नाम के साथ फेमस किया जा रहा है निरहुआ को। हालांकि जो विवाद चल रहा है उसकी तरफ से कोई भी अभी अहम फैसला नहीं आया है कि आखिर गलती किसकी थी, क्या हुआ है, पूरा मैटर सामने खुलकर नहीं आया है। उसके बावजूद निरहुआ पर ही तंज कसना लोगों का शुरू हो चुका है। हालांकि निरहुआ के फैंस उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी निरहुआ गाली वाला और ना जाने ऐसे कई नाम निरहुआ को मिलने लगे हैं मीडिया वालों की तरफ से, खबर वालों की तरफ से और शशिकांत के पक्ष की तरफ से। लेकिन फिलहाल निरहुआ के जो ये विवाद है ये बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो इससे जुड़ी भी एक खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले भी जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी हुई है। आने वाली 6 जुलाई यानी इस महीने में सिर्फ 10 दिन बाकी है और 10 दिन बाद अगला महीना शुरू हो जाएगा, और अगले महीने की 6 जुलाई आप लोगों के लिए बहुत लकी है, क्योंकि इस दिन रिलीज होने जा रही है इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट 2 सुपरस्टारों की फिल्में, वो भी एक साथ, जिसमें रवि किशन की फिल्म होगी और दूसरी खेसारी लाल की फिल्म होगी। रवि किशन की फिल्म बैरी कंगना 2 इसी दिन रिलीज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल की फिल्म राजा जानी भी 6 जुलाई को ही बिहार झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। तो आपको वैसे भी खेसारी की फिल्म का इंतजार होगा गंगा पार्के के बाद, तो अब आप लोग यही फिल्म देख सकते हैं।
तो इससे जुड़ी भी रिलीजिंग से जुड़ी एक खास खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बढ़ लेते हैं आगे, जान लेते हैं अगली और आखिरी खबर जो जुड़ी है इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे से। राजकुमार आर पांडे वैसे तो जितनी फिल्मों का निर्माण करते हैं लोगों को पसंद आती है, उनके व्यवहार की सभी तारीफ करते हैं कि बहुत नर्म स्वभाव के इंसान है, उनके साथ जो भी कलाकार काम करता है वो दोबारा काम जरूर करना चाहता है। लेकिन राजकुमार आर का भी गुस्सा हाल ही में भड़का है शशिकांत पे, जब उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए शशिकांत का विरोध करते हुए बहुत सारी बातें लिखी हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और अभी तक जितनी भी खबरें हमने आपको बताई हैं वो विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नजर। भोजपुरी सिनेमा की लकी अदाकारा आम्रपाली दुबे कुछ समय पहले अपने इंस्टा पर एक फोटो शेयर कर चुकी थी, जिस फोटो में आम्रपाली की उम्र काफी ज्यादा दिखाई गई। वैसे आम्रपाली ने जो फोटो शेयर किया था उनकी वो फोटो फिल्म लगल रहा बतासा के सेट पर की थी। और अब इसी के साथ आम्रपाली की ये फोटो इतनी ज्यादा वायरल हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आज निरहुआ जो कि आम्रपाली दुबे की फिल्मी हमसफर के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी भी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिस फोटो में निरहुआ की उम्र भी काफी ज्यादा दिखाई गई है। वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि निरहुआ और आम्रपाली का लुक एक जैसा है, लेकिन ये दोनों इस लुक में अलग अलग फिल्मों में नजर आ चुके हैं। लेकिन जब से निरहुआ की ये फोटो वायरल हुई है तब से खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है कि आम्रपाली दुबे और निरहुआ इस लुक में एक साथ नजर आने वाले हैं। वैसे अगर निरहुआ की फिल्म की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इस समय पर निरहुआ की फिल्म बॉर्डर ने दर्शकों के बीच धमाल मचा रखा है। भोजपुरी इंडस्ट्री की मिर्गनैनी अक्षरा सिंह इस समय पर जितनी ज्यादा अपनी फिल्मों को लेकर के फेमस हो रही है, उनसे कई गुना ज्यादा अक्षरा अपने गानों को लेकर फेमस हो गई है। जी हाँ, कुछ समय पहले अक्षरा सिंह को लेकर ये खबर सामने आई थी कि अक्षरा सिंह इस बार एक बार अपना वीडियो सॉन्ग रिलीज करने वाली है, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। साथ ही आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि अक्षरा सिंह अपने एल्बम गाने की तैयारी के साथ साथ वो सावन के महीने के लिए स्पेशल गाने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। और अक्षरा सिंह इस बार बाबा भोलेनाथ के लिए कई गाने लेकर आने वाली है, जिसकी तैयारी वो शुरू कर चुकी है। वैसे अब अक्षरा सिंह आज के समय में जितनी ज्यादा फेमस एक एक्ट्रेस के तौर पर हो गई हैं, साथ ही वो अब एक भोजपुरी सिंगर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव अभी तक सुर्खियों में हमेशा अपनी फिल्म की सफलता के लिए, हीरोइन के साथ अपनी केमिस्ट्री के लिए और दर्शकों की पसंद के लिए चर्चाओं में रहे हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से निरहुआ सुर्खियों में तो रहते हैं लेकिन अपने विवाद के चलते। दरअसल कुछ दिनों पहले ही भोजपुरी फिल्म के पीआरओ शशिकांत के साथ निरहुआ का एक विवाद हुआ था उनकी फिल्म बॉर्डर को लेकर, जिसके बाद से ये लड़ाई और बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि निरहुआ और शशिकांत की तरफ से इस विवाद को लेकर अभी तक लास्ट वीडियो के बाद से कोई वीडियो या बयान नहीं आया है। इसके बावजूद कई संगठन और संस्था द्वारा इस विवाद को बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में निरहुआ को लेकर उनके नाम के पीछे रिक्शा वाला से हटाकर गाली वाला लगा दिया गया है। निरहुआ रिक्शा वाला एक ऐसी शख्सियत है जिनके रिक्शे की सवारी आम्रपाली से लेकर सलमान खान ने भी की है। वो अपनी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन अब कुछ मीडिया कर्मी और कुछ खबर और पत्रिकाओं में निरहुआ रिक्शा वाला के नाम पर कटाक्ष करते हुए निरहुआ गाली वाला के नाम से संबोधित किया जा रहा है। जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की 15 जून को जब उनकी फिल्म बॉर्डर को रिलीज किया गया था, तो उस समय पर निरहुआ की फिल्म सलमान खान की फिल्म रेस 3 को जबरदस्त टक्कर दे रही थी और कहा जा रहा था कि सलमान खान की फिल्म को निरहुआ ने हरा दिया है। वैसे ये खबर में कितनी सच्चाई है इस पर हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी के साथ अगर बात करें सलमान और निरहुआ की दोस्ती की तो ये खबर बिल्कुल सही है कि निरहुआ के बहुत बड़े फैन हैं सलमान खान। और ये आज से नहीं बल्कि जिस समय पर निरहुआ टीवी शो में गए थे, जिस शो में सलमान खान उस टीवी शो को होस्ट कर रहे थे, उस समय पर निरहुआ ने अपनी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से फेमस हुई रिक्शे पर बैठा करके सलमान की सवारी करवाई थी और सलमान खान को निरहुआ का ये अंदाज काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और फिर सलमान खान निरहुआ के फैन हो गए। वैसे निरहुआ अपने नाम के साथ साथ वो अपने रिक्शे की वजह से भी काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। 6 जुलाई का दिन एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफी खास होने वाला है,
क्योंकि 6 जुलाई को एक बार फिर से भोजपुरी सिनेमाघरों में दो बड़ी स्टार्स की दो बड़ी फिल्में आपस में टकराने वाली हैं। जी हां, आप लोगों को बताना चाहेंगे जहां मेगा स्टार रवि किशन की फिल्म बैरी कंगना 2 29 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अचानक से उसकी तारीख को बदलकर 6 जुलाई रख दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव की एक बार फिर से चर्चित फिल्म राजा जानी भी 6 जुलाई को ही रिलीज होने वाली है। जी हां, सोशल मीडिया पर यह बड़ी खबर सामने आई है जहां खेसारी लाल यादव बहुत जल्द 6 जुलाई को अपनी फिल्म रिलीज करने वाले हैं। और अब देखना यह है कि आखिर खेसारी लाल यादव के साथ मेगा स्टार रवि किशन की फिल्म अब आपस में जब टकराती है तो वो दोनों में से किसकी फिल्म कमाई के मामले में बाजी मार ले जाती है। वैसे देखा जाए तो भोजपुरी के दोनों फिल्में बड़े स्टार की हैं और दोनों ही फिल्मों की कहानी बहुत दिलचस्प है। भोजपुरी फिल्मों के युवा स्टार प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक कई सारी फिल्में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें से एक फिल्म का निर्देशन चिंटू के पापा राजकुमार आर पांडे ने ही किया है। इस फिल्म का नाम है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2। इस फिल्म का पहला पार्ट देखने को मिल चुका है और अब इस फिल्म का सीक्वल जल्द ही आप लोगों के बीच आने वाला है। इस फिल्म का निर्माण और लेखन खुद चिंटू के पापा राजकुमार आर पांडे ने किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भोजपुरी फिल्मों के PRO शशिकांत ने जहां अपनी पोस्ट में कई सारी भोजपुरी फिल्मों के बारे में लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ शशिकांत ने अपने एक इंटरव्यू में चिंटू की हालिया रिलीज हुई फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 की खूब सराहना की थी। लेकिन इसके बावजूद हाल ही में चिंटू के पापा का एक पोस्ट निरहुआ के समर्थन में और शशिकांत के विरोध में देखने को मिला है। इस पोस्ट में राजकुमार आर पांडे ने लिखा है कि शशिकांत जी, अगर आप भोजपुरी फिल्मों के बारे में अच्छा नहीं लिख और बोल सकते तो प्लीज बुरा भी मत बोलिए। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन टॉप 5 खबरें जो हमने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी सारी जानकारी ज़रूर मिली होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही ताज़ा तरीन 5 खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।